परम अवतार श्री कृष्ण। जाओ भद्राक्ष, गोकुल के हर व्यक्ति को उसके घुटनों पर ले आओ, उनके जीवन को कष्टों से सराबोर कर दो, स्मरण रहे। न खाने को रोटी मिले और न ही पीने को दूध, सब पर कर दुगना कर दो और बदले में मिलने वाले अनाज को आधा कर दो। ब्रजमंडल के ग्वालों को उनका अधिकार दिलाने हेतु कान्हा करते हैं माखन चुराने का आरंभ। जब से कंस गोकुल से लौटा है उसका भय बढ़ते ही जा रहा है। वो बार बार अपने भयभीत ना होने का घोषणा कर रहा है। कंस का यही भय उसके अंत का कारण बनेगा देवऋषि। ब्रजमंडल के ग्वालों के जीवन में दूध माखन के अभाव के सत्य को जान। सखाओ, जब तक ब्रजमंडल वासियों और ग्वालों को माखन मिलना प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक मैं भी माखन नहीं खाऊंगा। यशोदा द्वारा कान्हा के जन्म की रात्रि के विषय में जान नंद हो जाते हैं अचंभित। ओ चक्रधारी, अब तू देखेगा भगवान कंस का। कंस ये कैसी योजना रच रहा है? कंस क्या अनर्थ करने जा रहा, वह ये स्वयं भी नहीं जानता कि वह अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कान्हा के घर में हुआ राहु का प्रवेश। सभी ग्वालों को एकत्र कर कान्हा बताते हैं, राजा को अपनी प्रजा से उतना ही कर लेना चाहिए जितना मधुमक्खी फूल से शहद लेती है, इसलिए गायों के दूध पर पहला अधिकार ग्वालों का होगा, मामा कंस का नहीं। मामा कंस का नहीं। आप चिंतित न हो भगवान, जैसा आप चाहते हैं अब वैसा ही होगा। हे सत्यनारायण, ये कैसी विडंबना है प्रभु, जो गौ पालक है, जो गायों का पालन करते हैं, उन्हें ही दूध और माखन नहीं मिलता। प्रभु ये तो अन्याय है प्रभु, और ग्वालों पर इस अन्याय का अपराध केवल कंस ने, अभी तो हम सब है प्रभु, हम सब है। मैया, इसके लिए तुम स्वयं को दोष मत दो मैया, ये सारा दोष ना समय का है मैया, किंतु तुम उसकी चिंता मत करो मैया, क्योंकि अब से ग्वाल बालों को उनके अधिकार का माखन मिलेगा मैया। किंतु मैया, उसके लिए ना मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए मैया, क्योंकि माता की अनुमति और आशीर्वाद के बिना कोई भी पुत्र सफल नहीं हो सकता। लल्ला, आज से पहले मैं तुझे रोकती थी ना, किंतु आज नहीं लल्ला, आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने इस कार्य में सफल हो, कंस के विरुद्ध इस लड़ाई में तेरी जीत हो, कि तेरी यशोदा मैया का तुझे आशीर्वाद है लल्ला। मैया, सभी ग्वाले मेरी बात समझ गए थे, वो करना देने के लिए सहमत हो गए थे, किंतु बाबा ने। लल्ला, बाबा जो भी कह रहे हैं वो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, इसलिए अब तू केवल गैया चराने जा, इसके अतिरिक्त और कुछ मत कर। ठीक है मैया, मैं तो वही करूँगा जो तुम कहोगी। मैया, यदि किसी गोकुलवासी ने मुझसे पूछ लिया, यशोदा नंदन, तुमने तो हमें हमारा अधिकार दिलवाने की प्रतिज्ञा की थी, अब उससे पीछे क्यों हट रहे हो, मैं क्या उत्तर दूंगा मैया? मैया, ये मेरी बात थी ना, तो मैं बाबा की बात मान लेता मैया, किंतु ये तुम्हारी भी प्रतिष्ठा की बात है मैया। मैया, कुछ भी हो जाए किंतु मैं अपनी मैया की प्रतिष्ठा पे प्रश्न नहीं उठने दे सकता, है ना मैया? Thank you.
भगवान की जय हो, भगवान की जय हो। भगवान कंस की जय हो। आपने जो योजना बनाई थी मैंने उस पर उसी प्रकार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा ना हो कि उस चक्रधारी ने मुझे पद भ्रष्ट करने के लिए ये सारा प्रपंच रचा हो कि मैं देवकी की आठवीं संतान को खोजता रहूं और वो उसकी संतान हो ही ना, उसने देवकी के गर्भ से जन्म ही ना लिया हो। महाराज कंस, अब सत्य आपसे दूर नहीं क्योंकि नंद आपके साथ है। जय हो भगवान कंस की जय हो। नंद बाबा हम आपको कब से खोज रहे हैं? कारण क्या है? नंद बाबा, आपने तो निर्णय ही कर लिया है कि कंस महाराज को दुगना कर देना ही होगा, किंतु किंतु क्या तुम्हें मेरे निर्णय से कोई आपत्ति है? बाल ग्वालों के लिए माखन जुटाने हेतु मांगते हैं भिक्षा, किंतु कान्हा के समक्ष उनके भक्तों का परिश्रम छीनने आता है आलम हुसूर। भगवान कंस को नियम याद दिलाना पड़ेगा। कान्हा, मुझे नहीं चलना तुम्हारे प्रेम और विनती के मार्ग पे, अब मैं इसे अभी ही दंड दूंगा। चलिए विष्णु, तूने मेरी अमृता खंडित की है, आज मुझे अवसर मिला है तुझसे प्रतिशोध लेने का। चुपचाप जो अपने तंबू और बंबू हटाओ। दरोगा बाबू, तमाशा तो बंद नहीं होगा। तो बिल्कुल ना करो, हमें दिक्कत हो जाती है। अरे तंबू रे। भाभी जी घर पर हैं? तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज अनुराग जी के बर्थडे के मौके पर हम आप सबको एक खास वीडियो दिखाना चाहते हैं। तुम्हें पता था ना कि पटना में हमारे साथ काका हुआ था, फिर भी तुम हमारी जगह में नमक दे रही हो। रागिनी, जो रूठे तो तुझे मनाना चाहता हूं। जन्म 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 साथ चलना ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना, यही एक जान है भले दो बदन हो। आज एक मौत देह। राज बाजवा, मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। किस जुर्म के लिए आप राज को गिरफ्तार करने आए हैं? उगवाल के सरपंच का खून किया है इसने। ले चलो इन्हें। ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? प्रीत, कल का इलेक्शन तुझे जीतना है प्रीत। खाड़ा छुड़वाना ही था तो बड़ों का नहीं लाखा का छुड़वाती। आपसे नेशनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लाखा की पहलवानी के सामने राणा की पहलवानी पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे। किसी भी तरह से लाखा और रघुवीर जी को अखाड़े से बाहर निकलवा दो, समझो हमारा काम हो गया। दीपचा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर तू ट्रेनिंग करेगी तो अखाड़े में ही करेगी। मैं ताऊ जी के इस फैसले को चुनौती दूंगा।